It's like we're running in circles, going around every day, getting stuck in the home. I'll meet you outside, away from the crowd. ऊपर वाले बस आज के नहीं नहीं कल साइंस और परसों एसएसटी के एग्जाम में पास करा दे, मैं कविता को कभी गंदी नजरों से नहीं देखूंगा, आई शपथ। अबे हड्डी, कितनी बार एक ही चूर्ण खिलाएगा भगवान को भी, वो भी तेरे बार बार की गोली वायर से वाकिफ हो गए हैं। अरे तू तो इन सब बातों को ब्लर मार और मेरी बातों पर फोकस कर। अबे साले, तेरा हर बार का यही रोना है, जब तेरे पे टाइम रहता है तब तू बंदी के साथ घूमता है और जब एग्जाम आते तू भगवान की मेरी धोती पकड़ता है तू, क्योंकि तू ही तो मेरी आखिरी उम्मीद है। अबे चूतिए, ये सुन के हर्ट हो गया मुझे, मैंने लास्ट ईयर भी तेरे को पास करवाया था और तू मुझे आखिरी उम्मीद कह रहा है साले। अरे भाई, मेरी जुबान तो चूतिया है, कुछ भी बकती है, तू अवॉइड करना। मेन प्रॉब्लम तो ये है कि मैं यार चैप्टर 3 पढ़कर आया हूँ। हैं, चैप्टर 3? अबे चमन चूतिए, तेरी बुद्धि तेरे आँखों के बीच में या तेरी टांगों के बीच में? मतलब? हे भगवान, चैप्टर 3 नहीं, चैप्टर 5 और 7 पढ़ के आना था, क्योंकि वो ज़्यादा मेन है। अबे तो यार तेरा सही है, तुझे मैडम सब बता देती हैं, पता नहीं मेरे से क्या दुश्मनी है। अरे दुश्मनी नहीं है, बस मैडम को मेरे से कुछ ज़्यादा ही लगाव है, क्योंकि मैं उनके लिए स्टाफ रूम से क्लास रूम तो कॉपी लेके जाता हूँ और क्लासरूम से स्टाफ रूम तो कॉपी लेके आता हूँ, तो ना मैडम और मेरा एक अलग बॉन्ड है। तो तू पागल वागल है क्या? तू मैडम की बात कर रहा है या गर्लफ्रेंड की? अरे भाई, तो अपने दिमाग पे ज्यादा जोर मत ले, छोड़ छोड़ तेरे को समझ नहीं आएगा। और दोस्तों, यहाँ कैसे खड़े हो, पढ़ के नहीं आए, स्किन नहीं लाए? स्केल? हाँ स्केल, पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, प्रोटेक्टर सब उठा लाया। एक एक मिनट भाई, ये स्केल का क्या पंगा है? क्योंकि आज मैथ्स का एग्जाम है। मैथ्स का? अबे दल्ले, तूने तो मुझे इंग्लिश का पेपर बताया था। अरे भाई, मुझे लगा तो वही पूछ रहा है मेरे से। अच्छा, कल इंग्लिश का एग्जाम है, कोई ना पढ़ा है ना, दे दिए। अरे तो टेंशन मत ले, तू मेरे पीछे बैठता ना, मैं साइड हो जाऊंगी, तू देख लियो, लेकिन 500 रुपये लूंगी। अरे मेरी माँ, तू मेरी सारी जायदाद रख ले, पर मुझे आज का एग्जाम पास करा दे यार, वैसे भी इसके साथ रहूंगा तो पक्का फेल हो जाऊंगा। साले तेरे बारे में मेरी मम्मी ठीक कहती हैं, तू विश्व चूतिया ही है। यार ये सही है। भाई सुन, तूने मेरे को 500 रुपये दे दियो, मैं तेरे को अपना पूरा पेपर दिखा दूंगा। अच्छा। साले, एक तो तूने मेरे को गलत पेपर बताया। यार वो मर जाएगा, रुक जाओ। सुनो, तुम दोनों को ना मैं एक फैक्ट बताता हूँ तुम्हारे स्कूल के बारे में। माले माले, बकचोदी मारेगा ना माले? अबे सुअर के ससुर, मैं बकचोदी नहीं मार रहा, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, और अगर नहीं सुनना ना तो यहाँ से चले जा, और अगर फैक्ट सुनना है तो यहाँ बैठना पड़ेगा। हाँ बता, क्या फैक्ट है? अभी अब सुनो, अब जो मैं बात तुम्हें बताने जा रहा हूँ ना, उसे बहुत ध्यान से सुनना। तुम्हारा जो स्कूल है ना, वो पुराने कब्रिस्तान के ऊपर बना है, और मैंने तो ये भी सुना है जब तुम्हारी छुट्टी होती है ना, तो उसके बाद रात में कई भूत छत पे पार्टी मनाते हैं। ओ बहन जो, तो हमारे स्कूल का वॉचमैन भी पिकनिक मनाता है, वो भी भूतों के साथ? नहीं नहीं नहीं, उस वॉचमैन को हल्के में मत लेना, वो बहुत बड़ा कांडी है। और मैंने तो ये भी सुना है वो रायपुर के किसी बहुत बड़े तांत्रिक का शागिर्द है। अबे तू भाई, क्या हुआ, ऐसे क्यों चिल्ला रहे, कोई भूत देख लिया हो? यार ये कहानी सुना रहा था। आहा, साले चमन चूतिया, तेरी बकचोदी इनके सामने ही फैल गई। ये क्या कहानी सुना रहा था, कब्रिस्तान के ऊपर स्कूल बना है? ओ वॉचमैन तांत्रिक का चेला है। साले सुधरेगा नहीं ना तू? यार तू ये सब छोड़, और ये बता चिल्ला क्यों रही है, लगता है पेपर उम्मीद से ज्यादा अच्छा चला गया। अब
अबे चूती है, मेरे हमेशा ही अच्छे जाता है पर आज कुछ ज्यादा अच्छे से लगे हैं। यार तुम लड़कियों का अच्छा है और हम लड़कों का 36 का आंकड़ा है पढ़ाई लिखाई के साथ। अबे मैंने तो सुना है तेरा बाप बेल्टों से मारता है। मारता है? अबे चमड़ी में मसाला भर देता है। अगर नंबर अच्छे आ गए तो नौकरी अच्छी, नहीं तो फिर। नहीं तो क्या? अबे मेरा बाप केले की रेडी लगवा देगा। कोई बात नहीं, तो टेंशन मत ले, तू मेरी गली में लगा ली रेडी। वैसे मुझे सुबह जिम के लिए ना बनाने सीखनी होता है। अरे ये सब छोड़ो, ये बताओ क्वेश्चंस कितने किए? यार मैंने तो 5 ही किए थे। चले पास होने के लिए लगभग 5 क्वेश्चन करने थे और तू 5 ही करके आया, अब तो तेरी पक्का रेडी लगेगी। अबे इसको छोड़, तू मैं तो पूरे 8 करके आया हूँ, ये बता तूने कितने किए? मैंने तो सारे करे बिकॉज मैं तो हूँ इंटेलिजेंट। अबे यार तो आज ना पेपर डिस्कस करते हैं, मुझे भी पता चल जाएगा मेरे कितने नंबर कटेंगे। हाँ हाँ चल करते हैं। साले कितने हरामी है ये लोग, जब पता है अगला बंदा डीमोटिवेट हो जाएगा पर उसी के सामने इनको डिस्कस करना है, कुत्ते कहीं के। इसका क्या किया तूने? फॉल्स। सही है। और ये सेकंड वाले का? इसका ट्रू था। अरे मुझे तो पहले ही पता था। मैं साले तो 2 साल से तू उसे घूरे जा रहा है, मैं बता रहा हूँ यही हाल रहा ना तो स्वागत का कार्ड बना के दे जाएगी और तू साले देखता रह जाइयो। अरे भाई बोलूंगा ना इस बारी, तू देखता जा। भाई बातें ठोकने से बच्चे पैदा नहीं होते। पांक आखिरी साल है उसका स्कूल में, उसके बाद कॉलेज में नए करारे भुट्टे मिलेंगे, फिर तेरे से आलू बुखारे पे थूकेगी भी नहीं। अबे यार कह तो तू सही रहा है, बहुत कर लिया बेट, अब तू देखता जा मैं क्या करता हूँ। यार मैं भी सोच रहा हूँ इस बार क्लास टॉप कर लूँ। अबे कैसी चूती पने की बात कर रहा है, अब तो कुछ लॉजिक की बात कर ले। मैं देख रहा हूँ बकचोदी चुपकाने का प्रोग्राम चल रहा है, मैंने सोचा कि एक आध हम भी कर ले। नहीं मतलब क्या, तुझे क्या लगता है मैं उसे सेट नहीं कर पाऊँगा? अबे सुन, जिस दिन मैं अपने बाल सेट करके निकलता हूँ ना उस दिन पूरे मोहल्ले की कच्चियाँ गीली हो जाती हैं। क्या गीली? अबे लौड़ू ललित खुद को देख और उसको देख, वो तो स्कूल की टॉपर है और खूबसूरती की बाला, और तू साले शक्ति कपूर की थर्ड कॉपी। अबे साले तुझे बड़ी हंसी आ रही है। और हाँ तू सुन, तू यही धोखा खा गया, लव इज ब्लाइंड। अबे वो लड़के के लिए होता है, लड़कियों ने पूरा पैकेज चेक कर लेते हैं। और छोड़ इन सब से बच भी गया तो उससे कैसा बचेगा। सुमित लैंडी, सुनने में आया ये भवरा लड़की चेंज करने में फेमस है, और ये भी सुनने में आया कि तेरा फूल चूसने पे लगा है। भाई ये गलत है। तो भाई क्या करें अब? देख वो है 5-स्टार का डिमसिम और तू है गली का नुक्कड़ का मोमो। 3 साल से 11वीं में हूँ, एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ, लड़कियों को नुक्कड़ के मोमो से ज्यादा 5-स्टार के डिमसिम पसंद होते हैं। भाई तू टेंशन ना ले, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल जाएगा। हट सड़ी के। ओए सुन यहाँ। हाँ भाई। देख मिल गया सॉल्यूशन।
बाय। और एक खबर, छूत की बीमारी की तरह फैलने लगेगी। किसकी बीमारी? छुआछूत की बीमारी, चूतिए। हाँ हाँ, कंटिन्यू। और ये खबर, छुआछूत की बीमारी की तरह फैलने लगेगी, फिर प्लान में एंट्री होगी स्कूल की इनोसेंट लड़की संदनी और सूर्या की। तो संदनी, तुम्हें सूर्या के साथ बाहों में बाहें डाल के डेट पर जाना है? हाँ। तो संदनी, तुम्हें सूर्या के छोटे से सामान की तरह छोटा सा एक काम करना होगा। ओके। एरो, तुझे साक्षी कैंटीन में बुलाए। हाँ, क्या बात कर रहे हो? पप्पे जप्पे मजा आ जाएगा यार। तो संदनी, एक बात बताओ, तुम सूर्या की झूठी पेप्सी पियोगी? हाँ। सर, उल्लू की तरह आप इधर उधर झांकना बंद करिए। आपका इज्जत का कातिल 11 सी में। और हाँ, बैग जरूर चेक करना। ये किसका बैग है? मेरा बैग है सर। बेचारे पीटी सर, जमाने ने इनको नंगा कर दिया।